तो भाई आज मैं बनाने जा रही थी खीर। ऑल तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, सो मच से मीठा अच्छा बनता भी नहीं है। डिज़र्ट में मुझे सिर्फ खीर पसंद है, लेकिन मैंने कभी ये बनाई नहीं, सो मैंने आज बना रही थी। वैसे भी आज 10 मुहर्रम थी तो ख़त्म भी था, सो विद द हेल्प ऑफ माई आंटी मैंने ये खीर बनाई। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। ये है कैरेमल मिक्स खीर, होप यू विल लाइक इट। मैंने दूध 6 लीटर लिया था, पहले मैंने 5 लीटर ऐड किया था और उसके बाद मैंने ड्यूरिंग खीर मैंने 1 लीटर ऐड किया है। ये चावल थे 1.5 कप, ये मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। फिर एक ब्लेंडर लिया था, उसमें ये चावल जो 1-1.5 घंटा हो गए थे भिगोए हुए वो ऐड करने थे और उसके अंदर फिर जो है दूध ऐड करना है। लेकिन दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ठंडा ना ही गर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद आप इसी के अंदर इलायची अपनी ऐड कर लें और इसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड करना है कि जिस तरह वो बिल्कुल सॉफ्ट सी, जैसे क्रीम टाइप नहीं होता वैसे ही बन जाए, तब तक आपने इसको ब्लेंड करना है। तो जी इसके बाद जो हमारा दूध था वो हाई फ्लेम पे हम लोगों ने रखा था और उसमें अच्छे खासे बॉयल आ गए थे। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने वो जो चावल है, जिस चावल और दूध का मिक्सचर था वो आप लोगों ने ऐड करना है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाते हैं। जो बाकी टेक्स्चर रह जाएगा उसमें भी यही वाला दूध ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करके आपने डाल देना है, क्योंकि काफ़ी सारा जो है वो ब्लेंडर में ही रह जाता है। सो आपने इसको जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाए और एक स्मूथ सी टेक्सचर जो है वो इसमें आता रहे। सो नेक्स्ट ये वाला जो स्टेप है ये द मेन स्टेप और मेरा फेवरेट स्टेप है। इसमें आप लोगों ने आइसिंग शुगर, वैसे नॉर्मल यहाँ पे हमारे पास आइसिंग शुगर ही होती है, अगर आपके पास दाने चीनी जो मोटे दाने वाली होती है अगर वो है तब भी उसको थोड़ा सा पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। आइसिंग शुगर जो है वो ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाती है। सो एक पैन लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने अपनी शुगर ऐड करनी है। ऑयल में इसीलिए ऑयल इज़ ऑप्शनल, मैंने इसीलिए ऐड किया था क्योंकि जो आपकी शुगर है वो नीचे स्टिक हो जाती है, तो ऑयल की वजह से ये स्टिक नहीं होगी। सो ये वाला भी जो स्टेप है ये भी मुझे मेरी आंटी ने बताया, वरना मैं आई एम नॉट अ परफेक्ट कुक, मुझे नहीं इतना कुछ भी पता। सो हम लोगों ने ये आइसिंग शुगर को मेल्ट होने के लिए रख दिया था। एक प्लीज को आप लोगों ने कर देना है। इसके बाद मेरे ख्याल से तकरीबन 2 मिनट ही लगे थे इसका कलर चेंज होने लगे था ब्राउन, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी पेशी थी, लेकिन मैंने कहा इससे पहले कि ये काली हो जाए तो पहले ही हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। फ्लेम आपने नीचे से ऑफ़ कर देनी है क्योंकि ये तर 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 करके ऊपर गिरती है। सो अगर आप नीचे से ऑफ़ कर देते हैं फ्लेम को तो फिर ये ज़रा नॉर्मली रहती है। और जल्दी से आपने इसको चम्मच ज़ोर ज़ोर से हिलाना है और ताकि ये फिर जो है अंदर जाके एक स्मूथ सा लेवल क्रिएट कर लेती है। तो 5 मिनट पकने के बाद खीर का कलर जो है कुछ ऐसा था, कैरेमल कलर, कॉफ़ी कैरेमल कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा आ गया था और काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो गई थी। खीर पता है जब ठंडी होने के लिए भी रखो ना तब भी वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। सो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं थिक कर देनी कि वो बड़ी बड़ी और ज़्यादा ही थिक हो जाए, ज़रा नॉर्मल सा टेक्स्चर करना है। सो इसके बाद आप लोग इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। वैसे आई एम द ओनली वन आई थिंक जिसको खीर जो है विदाउट नट्स पसंद है, बट इसमें आप लोग ज़ैफ्रॉन ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रोज़ वाटर ऐड करें, वनीला एसेंस ऐड करें, वट एवर यू वॉन्ट। सो इट इज़ रेडी टू ईट। सो अपने प्यारे से बाउल में इसको डिश आउट कर दिए एंड इट इज़ रेडी टू ईट। और इसको ठंडा, मुझे वैसे ठंडी खीर पसंद है, वैसे नॉर्मल लोग जो है गर्म करके खीर खाते हैं लेकिन मुझे ये ठंडी खीर पसंद है। अब ये हमारी खीर ठंडी हो गई थी और मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया था ड्राई नट्स के साथ, जिसमें थे बादाम, पिस्ता, काजू, ये सबको मैंने मिक्स करके एक ही जगह ब्लेंड कर दिया था और ग्राइंड करके इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दिया था, विच लुक्स रियली नाइस। और ये जो बाकी भी बॉल्स मैंने बनाए थे ख़त्म के लिए, एज आई सेड के 10 मुहर्रम थी, सो ये मैंने बाकी ऊपर भी गार्निशिंग कर दी। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई खीर। होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।